एक गांव में अरविंद नाम का एक आदमी रहता था। गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अखिल बहुत बुद्धिमान था और बेटी दीपिका बहुत सरल सीधा। दीपिका को स्ट्रॉबेरी से बड़ा लगाव था। एक दिन अखिल शहर जा रहा था तो उसने कहा, दीपिका मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ लाना है तेरे लिए। एक बस्ता स्ट्रॉबेरी ले आना भैया। एक बस्ता स्ट्रॉबेरी? बचपन से तुझे यही पागलपन पड़ा हुआ है, जब देखो स्ट्रॉबेरी खाती रहती है, पता नहीं उनमें क्या स्वाद मिलता है तुझे। भैया जो चाहे मुझे कह लो, पर मेरी स्ट्रॉबेरियों को कुछ मत कहना, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, मुझे खाना ना दो चलेगा, सिर्फ 3 प्लेट स्ट्रॉबेरी दे देना मैं खा लूंगी। तू खाती है पर सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाती रहेगी तो तुझसे शादी कौन करेगा बाबा? अरे करेगा करेगा, कोई ना कोई कर ही लेगा, जो भी मुझे स्ट्रॉबेरियां खरीद के देगा मैं कर लूंगी। पता नहीं तेरा पागलपन का दवाई कहाँ मिलेगा। अरे भैया ये पागलपन नहीं है, स्ट्रॉबेरी पे मेरा प्यार है, तुम नहीं समझोगे। उनके गांव में रमन नाम का एक आदमी रहता था। उसका नजर इनके संपत्ति पे था। उसको दीपिका के पागलपन के बारे में पता था, पर किसी भी तरह दीपिका को शादी करके संपत्ति हड़पने का वो सोच रहा था। एक दिन दीपिका रास्ते से स्ट्रॉबेरी खाते हुए आराम से जा रही थी, सामने से रमन एक ठेला भर के स्ट्रॉबेरी लेके आ रहा था। स्ट्रॉबेरी, शिमला स्ट्रॉबेरी, कश्मीर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ले लो स्ट्रॉबेरी। ओ स्ट्रॉबेरी वाले, वो रमन के ठेले के पास आ पहुंचे। 10 किलो स्ट्रॉबेरी दो तो। ये बिक्री के लिए नहीं है। तो गाड़ी भर के स्ट्रॉबेरी लेके क्यों घूम रहे हो? ये मेरे लिए है, मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। अरे मुझे स्ट्रॉबेरी दो ना, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। नहीं दूंगा, तुम्हें दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मुझसे शादी कर, तब तुझे रोज जितने स्ट्रॉबेरियां चाहिए मैं ला दूंगा। सच में स्ट्रॉबेरी ला देगा? सच में ला दूंगा, तुम्हें जितने चाहिए होंगे उतने ला दूंगा। तो ठीक है चलो शादी करते हैं। तो रमन दीपिका को साथ लेके अपना घर चला गया। इसके बारे में पता चलते ही अरविंद पुलिस वालों को साथ लेकर रमन के घर आ पहुंचा। इंस्पेक्टर, इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, अरेस्ट कीजिए इसे। अरे वाह, अरेस्ट कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके घर वाले माने नहीं तो लड़की खुद मेरे घर आ गई। क्या ये सच बोल रहा है? दीपिका को शादी करने से स्ट्रॉबेरी मिलेगी, इसलिए दीपिका ने रमन जैसे कहा था वैसे ही कह दिया। सर लड़की मेजर है और वो खुद ही यहाँ पर आई है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर। इतने में शहर से अखिल घर आ पहुंचा। सब कुछ सुनने के बाद अखिल ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, दीपिका को मैं वापस ले आऊंगा। दीपिका को कैसे वापस लाया जाए इसके बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझा। यस, ऐसे करने से बहन भी घर आएगी और वो जेल भी जा बैठेगा। ये कहकर वो अपने जीप के पास पहुंचा और स्टार्ट करके निकल गया। इधर दीपिका रमन के घर के सामने बैठकर स्ट्रॉबेरियां खाए जा रही थी। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी के आकार का जीप आके रुका। वो देखकर उसने चिल्लाया, अरे वाह कितना बड़ा स्ट्रॉबेरी। जीप में से अखिल उतरा। उसे देखते ही दीपिका ने कहा, भैया ये स्ट्रॉबेरी मेरे लिए है। हाँ, और घर पर इससे भी बड़े बड़े स्ट्रॉबेरियां मैं मंगवा के रखा हूँ। ऐसा क्या भैया, जल्दी चलो घर। दीपिका ने पुलिस वालों को बताया कि वो इस घर तक कैसे पहुंची और क्यों पहुंची। पुलिस वाले रमन को अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। जाते जाते रमन सोच रहा था, सोचा था इस पागल से शादी करके करोड़ों की जायदाद हड़प लूंगा, पर इसने तो मुझे ही जेल भिजवा दिया। माधवपुर नाम के गांव में कई सालों से एक पुराना कुआं पड़ा हुआ था। कोई गांव वाला उस कुएं के पास जाता ही नहीं था। एक रात जग्गू और काली नाम के दो चोर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ए उस तरफ मत जा, काली ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? उस कुएं में भूत है। अरे छोड़, काहे का भूत, मैं जाके दिखाऊं क्या? फिर काली
उस कुएं के पास चला गया। ए चुड़ैल की नाती, बाहर निकल। अरे कहां है तेरी भूतनी, बुला ना, बोलना आने को। अरे मुझे क्या पता है, गांव वाले को बोलते सुना है इसलिए तुझको बोल दिया। अरे लोग पागल हो गए हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। अचानक से काली को एक आइडिया सूझा। उसने सोना से भरा हुआ अपने पोटले को कुएं में डाल दिया। अरे इतनी मुश्किल से तो चुराई थी, कुएं में क्यों डाल दिया? क्यों डाल दिया बाद में बताओगा, तू भी अपना सोना कुएं में डाल दे। नहीं मैं नहीं डालूंगा। ठीक है तेरी मर्जी। वैसे तूने वो सोना अंदर डाली क्यों? कल तुझे पता चल जाएगा, चल। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। काली ने गांव वालों को समझा दिया कि उस पुराने कुएं में सोना है और पूनम की रात को उसे निकाला जा सकता है। फिर सारे गांव वाले रात को 11 बजे रस्सी और बकेट लेकर उस कुएं के पास जा पहुंचे। उनके साथ काली भी था, उसने पहला बकेट डाला। पहले से जो सोना अंदर पड़ा था वो उस बकेट के साथ बाहर आ गया। ये देखकर सारे गांव वाले हक्का बक्का रह गए। एक के बाद धड़ाधड़ उन्होंने बकेट डालना शुरू कर दिया। सुबह तक बहुत प्रयत्न किया पर सोना मिला नहीं। सुबह जब घर वापस आए तो सारे घरों में चोरी हो चुका था। सारा गांव सरपंच के पास जा पहुंचा। सरपंच ने काली को बुला भेजा। क्यों भाई काली, सारा गांव को उस कुएं तक ले गया, कुएं से तो सोना निकला नहीं पर इनके घर खाली हो गए, बात क्या है बता? अरे इनका जो सोना चोरी हुआ है उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर मुझे सपना आया था कि कुएं में सोना मिलेगा, मैंने बकेट डाली मुझे सोना मिला। क्या सपना आया था? नहा धोकर कुएं के पास जाकर अगर बोलो कि कुआं मुझे सोना दे तो वो देगा। ऐसा क्या है? हाँ भरोसा ना हो तो आज रात को आजमा लो, सबको कहो कि बकेट के नीचे अपना नाम लिख दे और डाल दे, सोना जरूर निकलेगा। उस रात सारे गांव वाले फिर से कुएं के पास जा पहुंचे, कुएं को नमस्कार किया और अपना अपना बकेट डाल दिया। जब बकेट बाहर खींचा तो सबको अपना घर से खोया हुआ सोना उन बक्तों में मिल गया। आखिर में किशोर नाम का आदमी उस कुएं के पास आ पहुंचा। सारे चले गए हैं, बाहर आ जा। कुएं के अंदर से रस्सी पकड़कर काली बाहर आ गया। गांव में सारी चोरियां काली ने ही किया था। जब वो किशोर का घर पहुंचा, किशोर ने उसे देखकर कहा, तो तेरा काम है कुएं में सोना है बताकर गांव वालों को वहां भेजकर चोरियां कर रहा है। मुझे माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूंगा। ठीक है तो जैसा मैं कहता हूं कर। तो बताओ मालिक, तूने लोगों को जो बताया ना, कल रात उसे तुझे सच करके दिखाना होगा, सबका सोना उनका बकेट में डालना होगा। ठीक है मालिक, जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया, अब तो मुझे जाने दो। जाने दूंगा पर याद रखना, इस पूरी कहानी को मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, कहीं गांव में चोरी हो गया ना तो बेटा तू जेल जाके बैठ जाएगा, तो आज से देखना कि गांव में कोई चोरी ना हो पाए। ये सुनकर काली फंस गया और दंग रह गया। आज की कहानी में हम देखेंगे मुश्किलों से भागने का क्या अंजाम होता है। एक गांव में एक गधा अपने मालिक धोबी के साथ रहता था। रोज गधा घर से तालाब तक और तालाब से घर तक कपड़ों का वजन उठाता। एक दिन गधा परेशान होकर धोबी से दूर जंगल में भाग जाता है। वहां पर बहुत सारी घास देखकर वो सोचता है, अब तो मुझे बोझा ढोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पूरे दिन मुफ्त में घास खाने को मिलेगी।
मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। एक दिन जब गधा खुशी से घास चर रहा था, तब उसने एक भेड़िये को अपनी तरफ आते देखा। डरा हुआ गधा सोचने लगा, अगर मैं यहाँ से भागा नहीं तो ये मुझे खा ही जाएगा। इससे बचने के लिए मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। और वो लंगड़े की तरह चलने लगता है। भेड़िये ने गधे को लंगड़ा कर चलते देखकर सोचा कि वो तो उससे बच के भाग नहीं पाएगा। वो गधे के पास जाकर बोला, अरे गधे, तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? गधे ने कहा, मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने एक बड़े से कांटे पर अपना पिछला पैर रख दिया। तुम बहुत भूखे लगते हो, अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो पहले ये कांटा निकाल दो, फिर खा लेना। बेवकूफ भेड़िया गधे के पीछे गया। उसने गधे का पैर उठाया और मुंह से कांटा निकालने लगा। तभी गधे ने पूरी ताकत लगाकर भेड़िये के चेहरे पर लात मार दी। भेड़िये के सारे दांत टूट कर जमीन पर गिर पड़े। गधा भेड़िये से भागकर खतरों से दूर फिर से धोबी के पास रहने लगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबतें हर जगह होती हैं। हमें उनसे डट कर लड़ना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।